हेलो। तो गाइस कैसे हो। सो मैं चाहूँ नई वीडियो के साथ वापस। एंड इस बार जो हमारी वीडियो है इसके अंदर मैं कुछ वायरस से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं काफ़ी सारे मतलब PNGs वगैरह ऐड करे हैं। एंड दिक्कत की बात मतलब ना, मैं सब कुछ आपको सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप अपना कॉन्सेप्ट इस तरीके से बना सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको पता ही क्या करना है, लाइक कर देना एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। एंड वीडियो को लास्ट तक देखते रहना ताकि वीडियो आपको पता चल जाएगी कैसे कैसे इसमें क्या क्या चीज़ क्या क्या मतलब PNG वगैरह यूज़ कर गए हैं। एंड काफ़ी अच्छा प्रीसेट दे रहा हूँ इसके अंदर में, सो उसको तो ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। सो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो गाइस इस एडिटिंग के लिए आपको ये बैकग्राउंड चाहिए रहेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, टेंशन मत लेना। एंड इसको आपको पिक्सार्ट में जाना है एंड डॉटल में ओपन कर लेना जैसे मैंने करा, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, ऊपर देखिए वो साइन है उस पर टैप करूँगा एंड फोटो लेयर पर जाकर अपनी फोटो को ऐड कर लूँगा। सो इससे क्या होगा, मेरी फोटो जो है बैकग्राउंड से ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी, बट आपकी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि सबसे पहले आपको ये देखिए इम्पिटी लेयर होगी, इस पर आपको फोटो ऐड करना है इस तरीके से जैसे मैंने बता रहा हूँ। यदि ये फोटो पे गया, यहाँ से फोटो ऐड करना है एंड उसको ट्रांसफॉर्म पर जाकर एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये बैकग्राउंड से मैच नहीं कर रही है, इसको मैच कराने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, इस लेयर को करेंगे हम कॉपी यहाँ से, ठीक है। एंड इसको इम्पिटी लेयर के नीचे रखेंगे एंड इम्पिटी लेयर को हम कलर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, इसमें हम फिल करेंगे स्क्वायर। सो कलर में यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर ले रहे तो कोई से भी जैसे ये है, ठीक है। एंड यहाँ पे जाऊँगा मैं शेप की तरफ, शेप से यहाँ पे मैं स्क्वायर चूज़ कर लूँगा। सो चलते हैं शेप में एंड स्क्वायर को चूज़ करते हैं, इसको करेंगे फिल, ठीक है, इस तरीके से। एंड इस तरीके से इसको फिल कर देंगे जैसे मैंने बताया, इसको कवर कर लेना आपको नीचे वाली लेयर को पूरी को, ठीक है। सो इस तरीके से कवर हो चुकी है। अब करना इसका मल्टीप्लाई कर देना इस लेयर को एंड इसको मर्ज कर देना नीचे वाली लेयर से। सो ये देखिए इस तरीके की बन जाएगी। एंड अब क्या करना है, आपको ओपेसिटी इसकी हल्की सी कम कर देनी है, एरियाज़ पे जाना है इसका, हल्का हल्का जो पार्ट है ना, जो डार्क एरिया इसको हम वाइट कर देंगे हल्का हल्का एरियाज़ करके। सो हल्की सी ओपेसिटी मैं इसकी हल्की सी और कम कर दूंगा एंड इस ट्रिक की मदद से आप अपने फोटो को बैकग्राउंड से मैच कर सकते हैं। सो छोटी सी ट्रिक थी। एंड अब सीधा चलते हैं अपने PNGs की तरफ, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा कमाल के PNG मैंने भाई काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके बनाई थी PNG, जो कि ये वायरस का PNG है। सो मैं यहाँ पे जस्ट सिंपली आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐड कर देना जैसे मैंने करा है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा मतलब ये ब्लर जो हो रहा है एंड ये देखिए कितना मेहनत करी है, मतलब लाइक कर देना इसके लिए। एंड अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे ये ब्लर करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। मुझे कमेंट में बता देना वरना मैं नहीं बताऊँगा अगर आप नहीं बताओगे तो। सो इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक PNG ये वाला, सो इसको मैं ऐड करूँगा इस तरीके से। ये सब कुछ इस तरीके से आपको फुल ऐड हो जाएंगे। एंड यहाँ पे कुछ COVID-19 से रिलेटेड टेक्स्ट है, सो ठीक है। एंड ये वाला PNG लेंगे, इसके बाद जो लास्ट PNG बचा है हमारा इसको लाएंगे यहाँ पे। एंड इसका ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे मैं स्क्रीन कर दूंगा एंड स्क्रीन करने के बाद आपको क्या करना है, इसकी ओपेसिटी को हल्की सी कम कर देनी है इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे कम करी है। सो बाकी तो हमारी फोटो बिल्कुल डन हो चुकी है। एंड अब क्या करना है, इसमें प्रीसेट को अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है, वो लाइटरूम में करना है। सो यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर आफ्टर। एंड जल्दी से फोटो यहाँ पे सेव करते हैं एंड ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब सीधे चलते हैं लाइटरूम की तरफ। एंड यहाँ पे देख सकते हैं लाइटरूम में हमारी फोटो आ चुकी है। सो अब आपको क्या करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है प्रीसेट की, जो कि है ये वायरस प्रीसेट। एंड जो इसमें टोन है ना भाई, काफ़ी ज़्यादा गजब टोन है एंड काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके मैंने टोन बनाई है। सो आपको क्या करना है, इसकी कॉपी सेटिंग करनी है यहाँ से इस प्रीसेट की। एंड यहाँ पे जो ऊपर टिक दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है एंड जाना है आपको नॉर्मल फोटो के ऊपर एंड डिटो पेस्ट मतलब कॉपी को पेस्ट कर देना है यहाँ पे। सो जाएंगे हम 3 डॉट की तरफ एंड यहाँ से कर देंगे पेस्ट सेटिंग। एंड पेस्ट सेटिंग करने के बाद भाई देखिए फोटो में क्या ही टोन आ चुकी है हमारी यहाँ पे। सो फोटो में टोन तो आ गई, बट एक दिक्कत है, हल्का हल्का फेस एंड वो हैंड वगैरह ना वो थोड़े डार्क से हो रहे हैं। सो इसको कोई दिक्कत मत लेना, अगर आप कैसे होते तो मेरे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा कर लेना। इसकी ल्यूमिनस हम हल्की सी बढ़ा देना ऑरेंज वाले कलर की एंड ज़्यादा मत बढ़ाना वरना बैकग्राउंड की भी बढ़ जाएगी। अब आपको क्या करना है, सिलेक्टेड टूल पर जाना है। सिलेक्टेड टूल में एक ड्रॉ का ऑप्शन होता है, उसको सिलेक्ट करना है एंड जहाँ जहाँ आपको लगेगी डार्क एरिया है उस पर आपको सिलेक्ट कर देना है। जैसे मैं ये कर रहा हूँ, जैसे मेरे हैंड पे, तो मैं इस तरीके से कर दे रहा हूँ एंड इसका एक्सपोजर को बढ़ा दूंगा ताकि ये हाथ यार गोरे हो जाए, मतलब काले काले अच्छे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे फोटो हो चुकी है हमारी डन। एंड यार अब देखिए फोटो में यार क्लियरिटी कितनी ज़्यादा है, अगर आप इसको हाई HD में देख रहे हैं ना तो आपको दिख रही होगी कितने HD PNG हैं, कितना सब कुछ मतलब कुछ ज़्यादा ही हाई क्वालिटी फोटो यहाँ पे एडिट हुई है हमें। सो देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा ग्रेन अमाउंट है, कितना मतलब भाई एकदम क्लासिक प्रीसेट है, इसको जरूर से डाउनलोड करना है। सो ये देखिए बिफोर आफ्टर दिखा देता हूँ मैं इस फोटो को आपको जल्दी से। ये देखिए बिफोर में फोटो कुछ इस तरीके की थी एंड आफ्टर फोटो आपके सामने है। सो गाइस मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो में जो मैंने बताया जितने ज़्यादा मैंने इतना बोला हूँ तो आपको ये एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी एंड आप सीख भी गए होंगे। अगर आप सीख गए तो यार आपको क्या करना है, वीडियो रिकमेंड हुई ना तो आपको क्या करना है, जल्दी से सब्सक्राइब कर देना एंड सब्सक्राइब करके आपको बगल में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर देना
एंड मैं मिलता हूँ अपनी इसी तरीके की नई वीडियो के साथ। एंड एक चीज़ और सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड इंस्टा फॉलो कर लेना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Yo, that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, yeah. Thinking that I'm too pop. Yeah. Getting caught with a few thoughts. Cause I'm too lost.